अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हरिवान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल होम डिज़ाइन पाकिस्तान। नाज़रीन, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जो कि या तो अपना नया घर बनाने का इरादा रखते हैं या इस वक्त अपने नए घर की कंस्ट्रक्शन जारी रखे हुए हैं। क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम आप दोस्तों को बताने जा रहे हैं कि आप अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर आने वाली ईंटों को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बरवक्त पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक्स की कैलकुलेशन से पहले एक बार जहन नशीन कर लें कि जब भी ट्राली वाला या ट्राले वाला आपकी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर ब्रेक्स उतार कर जाएगा तो वो हमेशा इस तरह चौकटों की सूरत में रोड के ऊपर रखी होंगी, जिस तरह के आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाज़रीन, एक बार जहन नशीन कर लें कि ये चौकटे छोटे और बड़े भी हो सकते हैं। जितनी ज़्यादा ब्रिक्स इस चौकटे में मौजूद होंगी, इसका साइज उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। और नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको ब्रिक्स की कैलकुलेशन का जो तरीका बताने जा रहे हैं, उसकी मदद से आप सिर्फ दो मिनट के अंदर अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर आने वाली ब्रिक्स को खुद कैलकुलेट कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, इनको जो है कैलकुलेट करने का नहायत ही आसान तरीका है। सबसे पहले जो है हम ऊपर से नीचे तक जितनी इनकी लाइंस हैं उनको कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो नाज़रीन, ये जो टोटल जो ऊपर से लेके नीचे तक जो लाइंस हैं वो तकरीबन 25 हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 25 जो लाइंस हैं वो इस पूरे चौकटे के अंदर जो हैं वो मौजूद हैं। अब आपने क्या करना है, इस 25 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। वो क्यों करना है, क्योंकि इसके अंदर जो हैं वो चौकटे बने होते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको 4 ईंटें देखने को मिल जाती हैं, 2 यहाँ पर हैं और 2 ही ऊपर हैं। ये आप देख सकते हैं, इस चौकटे के अंदर 2 जो हैं वो ये यहाँ पर ईंटें होती हैं और 2 ऊपर होती हैं, इसलिए हम आपको इसको जो है वो 2 से ज़रब दे देंगे। तो 25 जो लाइंस हैं टोटल इसके अंदर, इसको जब 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 जो है वो फिगर आएगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी जो चौड़ाई वाली साइड है, ये आप देख सकते हैं चौड़ाई वाली जो इसकी साइड है, इसके अंदर जो लेटी हुई ईंटें हैं उनको जो है 50 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये हम गिन लेते हैं टोटल, इधर ईंटें कितनी हैं जो लेटी हुई हैं वो गिननी है आपने इस साइड से, 1, 2, 3, 4। तो ये जो हैं 4 ईंटें जो हैं इसकी चौड़ाई के अंदर हैं। तो जब हम 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये 200 का फिगर आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट के अंदर अब आपने क्या करना है, इसकी जो लंबाई वाली साइड है, ये आप देख सकते हैं इसकी लंबाई वाली साइड है, इसके अंदर जो लेटी हुई ईंटें हैं उनको जो है वो कैलकुलेट कर लेना है और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 200 के साथ जो हमारे पास फिगर आई है। तो ये जो लेटी हुई ईंटें हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो ये जो इसके अंदर लंबाई के अंदर लेटी हुई ईंटें हैं वो हैं 10। तो जब हम 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो ये फिगर आता है 2000 का। तो नाज़रीन, इस चौकटे के अंदर जो हैं वो तकरीबन 2000 ईंटें मौजूद हैं। कुछ ईंटें जो हैं ऊपर से इस साइड से आप देख सकते हैं कम हैं, वो मिस्त्री हजरात जो हैं या वो ठेकेदार जो भी काम करवा रहे होते हैं वो थोड़ी सी 1-2 ईंट जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जब ये कंप्लीट चौकटा जब ये ट्राली से उतरा था तो इसके अंदर 2000 ईंटें मौजूद थी। तो नाज़रीन, ये था ब्रिक्स को कैलकुलेट करने का बहुत ही आसान तरीका। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कवरेज पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है। अब दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।